इतने दिनों का इंतजार आखिर खत्म हो गया। बीसीसीआई ने आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। तो क्या है पूरा शेड्यूल, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के इस दौर में आईपीएल बिना दर्शकों के संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खेला जाएगा। 19 सितंबर से शुरू आईपीएल का अब शेड्यूल भी आ गया है। बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि पहला मैच पिछली बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाएंगे। वहीं हर बार की तरह रविवार को खेला जाने वाला फाइनल मैच कोरोना के कारण मंगलवार को होगा। शेड्यूल के हिसाब से दुबई में 24 मैच, अबू धाबी में 20 और शारजाह में 12 मैच होंगे। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार फाइनल रविवार की बजाय वीकडे मंगलवार को रखा गया है। इसके अलावा टूर्नामेंट में 10 डबल हेडर यानी दिन में दो दो मैच होंगे। शाम के मैच पुराने शेड्यूल से आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे शुरू होंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कोरोना के कारण हर टीम को सिर्फ 24 खिलाड़ी ही साथ ले जाने की इजाजत दी है। फिलहाल प्लेऑफ और फाइनल वेन्यू घोषित नहीं किया गया है। इस बार आईपीएल में कुछ बदलाव भी होंगे। कोरोना के कारण टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के बायो सिक्योर माहौल में होगा। आईपीएल के हर 5वें दिन खिलाड़ी और स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा। टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूट ले सकेंगी। कमेंटर्स घर से बैठे बैठे लाइव कमेंट्री करेंगे। तो अब शेड्यूल भी जारी हो गया है और गाइडलाइंस भी आ गई हैं। इंतजार है तो बस अब आईपीएल के शुरू होने का। डीबी लाइव की रिपोर्ट।